सारी धरती और भगवान के नाम कैसे निकलेगा? एक मिनट भी मन नहीं लगेगा। आंख बंद करके बेटा बेटी नाती धोती दुनिया दारी जिंदगी में जो नाम क्या वही निकलेगा। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते बच्चों 5 साल उम्र से प्रभु का भक्ति करना शुरू करो। क्योंकि बच्चों ने पूछे 5 साल में क्यों बुढ़ापा में क्यों नहीं? देखो उन्होंने कुछ उदाहरण दिया है। जब मिट्टी कच्चा हो ना, वो कच्चे मिट्टी से जो कुछ पुराना बना सकते हो। मिट्टी जब पकी जाती है फिर कुछ बनेगी? पके हुए मिट्टी में कुछ बन सकती है? कागज के ऊपर भी कुछ लिख सकते हो, लेकिन जब कागज पूरा लिख दो उसको ऊपर लिख सकते हो? जब देखता इसे किसी काम भी नहीं रह गया, बेकार हो गया, अभी बैठ गया कोई काम नहीं कर सकते, जा घर में जाओ, हो गया तुम्हारा जो कुछ, तुम्हारा जो कुछ होना हो गया, जब घर में वापस जाओ है। इसलिए भगवान की भक्ति बचपन से ही आदत डालनी चाहिए। देखो इस छोटे बच्चे को कोई बोलो ना कोई बात याद करने के लिए, वो झट इसको याद कर लेगा। लेकिन जिसको उम्र हो गई मेरे जैसे, हजार बार रटते रहो कभी याद नहीं होगी है। इसलिए यहाँ पर श्री विष्णु तो कहते हैं उन्होंने जब अंतिम समय जो प्रभु का नाम लिया है, ये भगवान की विशेष कृपा इसके ऊपर थी। जो भगवान के नाम उसको मुंह से निकली है तब उन्होंने बोले भगवान का जो नाम है वो चार तरह से भगवान का नाम कल्याण करती है। कितने तरह? संकेत का मतलब होता है इस तरह करके, जैसे बच्चे का नाम कृष्ण रख दिया, बारंबार कृष्ण आ जा, बेटा का नाम राम, राम रख दिया, बेटा राम आ जा, इसको संकेत कहते हैं। इसलिए आप देखना जितने बड़े बड़े होते हैं ना, अब देखो जितने बड़े बड़ों का नाम पूछो, कृष्ण गोविंद राम सब ऐसे नाम, और जितने माताओं को गीता सीता सावित्री ऐसा नाम, इसलिए पहले यही नाम रखते थे। लेकिन अभी कहते नहीं, हम तो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी नाम रखेंगे, टिंको टुल्लू बुल्लू और रिंकी फिंकी, ये विदेश में जितने कुत्ते हैं ना सब कुत्तों का नाम धरवा। बोले नहीं, इसे पुराना नाम हो गया कृष्ण गोविंद, वृंदावन गए कौन कौन वृंदावन गए आप वहां पर इस्कॉन मंदिर जाना, इस्कॉन मंदिर जरूर जाना, वहां पर देखना आप अंग्रेजी छोटे छोटे बच्चों को देखना, आप उनको नाम पूछो, आप उनको नाम तो पूछो तुम्हारे नाम क्या है, देखना उनको नाम पूछ कर देखना कृष्ण गोविंद दामोदर सारे भगवान के नाम, सारे ठाकुर जी के नाम है। हम तो बच्चों को क्या बोलते हैं, हम कहते गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, लेकिन वो अंग्रेजी लोगों को देखा ना आप कब मिलता हरे कृष्णा राधे राधे है। लेकिन हमने क्या की उनका जो झूठन है ना, वो जो खा करके नफरत होकर छोड़ दिए उसको हम अभी उठा रहे हैं। उनका रहन कैसे, सहन कैसे, खाते कैसे हैं, वो पीते कैसे, हम उसकी को नकल कर रहे हैं। लेकिन वो लोगों ने उससे नफरत होकर के अभी वो हमारे भारतीय संस्कृति को वो ग्रहण कर रहे हैं। आप जाना वहां पर इस्कॉन मंदिर में जो माताओं को देखना, एक माता को देखोगे सर पर कपड़ा नहीं है, सबके सर पर कपड़े देखोगे। रसिया नाम सुने हो? रसिया में लड़कियां वो गवर्नमेंट से लड़ाई कर रहे हैं, हम कलेज साड़ी पहन करके हम क्यों कलेज नहीं जा, गवर्नमेंट से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी लड़कियां हम जींस क्यों नहीं पहन सकते, ये कहती हम जींस क्यों नहीं पहन कर कलेज नहीं जा सकते, ये अब ये दुर्दशा हो गई है। वो हमारी संस्कृति को लेना चाहते हैं, देखते इसमें शांति सुख, और हम क्या चाहते हैं, हम उनकी संस्कृति को अपना करके शायद हम जीवन में सुखी हो जाए। नहीं भैया, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो ऋषि मुनियों को जो शिक्षा है ना, इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकती है।
हैं, समझना तब तक संसार में हम सुखी रहेंगे जब तक हम अपना ऋषि मुनियों की संस्कृति को हम अपना सकते हैं, हैं? अपनाएंगे। इसलिए यहाँ पर उन्होंने बोले संकेत क्या आनंद है, भक्ति में क्या रस है, जो प्रभु भक्ति करते हैं उनको पता भैया ये भक्ति में कितना आनंद है। वो चाहता था भैया मेरे छोटा भाई प्रभु का भजन करे, दो भाई एक घर में रहते हैं, जिन्होंने दोनों भक्ति करेंगे बढ़िया से रहेंगे। एक दिन उसने अपना गुरु जी को घर में बुलाया, बोले गुरु जी मेरे छोटे भैया भजन नहीं करना है, आप थोड़ा घर में आओ सत्संग करो, उसको थोड़ा समझाओ भगवान के बारे में। बोले ठीक है, लेकिन उसको पता चला कि अपना गुरु जी को घर में बुला रहे हैं, मेरे को समझाएगा। बोले मैं बैठूंगा तब तो मेरे को समझाएगा। जब देखा उसको गुरु जी आ गया ना, उसने बाथरूम में चला गया और अंदर से कुंडी बंद करके वहीं पर बैठा। बोले मेरे को बैठना नहीं, गुरु जी आए कीर्तन किया सत्संग की, लेकिन जब गुरु जी जा रहे थे बोले भैया जिसकी वजह से आए उस पता ही नहीं, जाते समय उन्होंने दरवाजा खटखटाया, बेटा था दरवाजा खोल दे। बोले मैं नहीं खोलता। बोले बेटा एक बार तो खोल दो। बड़े कठिन से दरवाजा खुलवाया, इतने में खोले तो उसका हाथ पकड़ लिया। बोले तू एक बार कृष्ण बोल, एक बार कृष्ण बोल। उसने कहा मैं कृष्ण नहीं बोलता, मैं कृष्ण नहीं बोलता। बोल तू एक बार कृष्ण बोल दिया। देख बेटा एक काम करना, कभी ये नाम को बेचना नहीं और इसी से तरह उधार बोलो। बोले ठीक है गुरुदेव। अभी कुछ दिन बाद में उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु हुई तो उसको पकड़ कर जमदूत लेकर गए। जब लेकर गए चित्रगुप्त को बोले इसका कापी खोलो। जब चित्रगुप्त ने कापी खोले, देखो कभी कभी लोग कहते हैं ना अरे ये सब चित्रगुप्त सब जम ये सब बेकार बात है, हाँ ये सब किसने सब जमदूत को देखा, हाँ किसने ये सब किसने सब जम महाराज को देखा, सब बेकार बात। बोले ये सब बेकार बात नहीं, मैं कल मैंने बताया था ना आप कल एक न्यूज पेपर दिखाऊंगा। कुछ दिन पहले एक आगरा की घटना है, ये आगरा की घटना है। एक माता जी का उसका हेडिंग में लिखा हुआ सुखी को गलती से ले गए जमदूत, उसका हेडिंग में लिखा हुआ। कल आप कल आगरा दिखाऊंगा। बोले एक माता जी थी, उसने अपना प्राण त्याग दिया, प्राण त्याग दी अब शरीर छोड़ दी। अभी उसको ले जाने के लिए जलाने के लिए गांव के लोग इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हो गए पूरा परिवार के लोग अभी उसको अस्थि सजा रहे हैं ले जाके जलाने के लिए। 3-4 घंटा के बाद फिर दो बार बैठे वो जिंदा हो गई। जिंदा हुई तो लोग बोले ये क्या हुआ, ये तो मर गई थी जिंदा कैसे हो गई। तो उसको पूछे तो उसने सारी घटना बताई। बोले 3-4 दिन पहले देखा 3 व्यक्ति मेरे पास कोई आए जिसको कोई नहीं देख रहा है, बोले मैं देख रही हूँ, हाँ देख रही थी। हठात आए मेरे पास में और वही गायब हो गई। फिर देखा वो व्यक्ति आकर मेरे को खूब जोर से मारना पीटना छोड़ दिया। मैं बड़ी जोर शोर से चीख रहा था लेकिन उसको कोई सुन नहीं पा रही थी, केवल मैं चीख रहा था जोर जोर से। इतने में मेरे को पकड़ करके वो तीनों व्यक्ति हमें ले गए कोई एक दिव्य राज्य में ले गई। जब वहां पर मेरे को ले करके गए वहां पर देखा एक व्यक्ति सिंहासन में काले एक व्यक्ति बैठा हुआ। जब मेरे को वहां पर पहुंचाए उसने कहा तुम किसको ले आए हो, ये है नहीं वो गांव में दूसरे व्यक्ति है, वो ये व्यक्ति नहीं है। क्योंकि और एक बूढ़ी माता जी वो मरने वाला था, उन लोगों ने जब उतने भूल से उसको लेकर गए थे प्लस उसको वापस देकर कहा। तो मेरे को वहां से धक्का मार दिया और मैंने गिर पड़ा तो मेरे पीठ पर दर्द हो रहा है। सचमुच से देखा थोड़ी देर बाद में गांव के ना और दूसरी बूढ़ी मरी, दूसरी बुढ़िया मर गई। वो जिंदा होने के बाद जिंदा, मरने के बाद जिंदा। कल आपने पेपर ला के दिखाऊंगा उसमें डिटेल से लिखा, उसका हेडिंग भी है सुखी को गलती से ले गई जमदूत। इसलिए कहते जो एक व्यक्ति है कहते जो 3 जन्मों का बात वो समझ सकता है। कितने जन्मों को, 3 जन्मों को ये जमदूत कह रहे हैं। बोले कैसे,
तीन जन्मों का हम समझ सकते हैं। कैसे तीन जन्मों का आप समझ सकते हो? देखना इसी जीवन में हम जो कुछ मिलता है ये ठीक पूर्व जन्म का कर्म के फल का अनुरूप मिलता है। हम जैसे जैसे हमने कर्म की हमारे वैसे हमें जन्म हुई, जैसे हमने कर्म की हमें पति ठीक वैसे मिला, जैसे हमने कर्म की बच्चा भी हमें ठीक वैसे मिला। जैसे अंबानी है नाम, अंबानी का सुनाऊंगे, टाटा बिरला का नाम सुनाऊंगे। देखना एक बच्चा अगर उसी घर में जन्म ले लिया अपने आप सारी संपत्ति का मालिक वही बन जाता, जन्म होने का साथ साथ सारी संपत्ति का मालिक वही बन जाता है। क्यों? वो हमारे घर में जन्म नहीं हुआ, उसको घर में जन्म हुआ। कारण क्या बोले? कारण है वो जैसे कर्म किया उसी घर में जन्म लिया। एक व्यक्ति अरब खरब पति घर में जन्म लेता है, एक बच्चा रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति घर में सारा दिन मजदूर करके भी रोटी नहीं कमा पाता, रोटी का संग्रह नहीं कर पाता। और एक व्यक्ति किसी अगले घर में जन्म हो गया सारे पैसे, क्यों ऐसे क्यों होता है? देखना किसकी बेटा इतने अच्छा इतने अच्छे इतने आदेश पालन करते हैं, किसका बेटा देखना इतने दुष्ट है। हम कहते हैं पूर्व जन्म का हमारा शत्रु बेटा का उदाहरण देखा तो एकदम सही बात, लेकिन किसके पत्नी देखना इतनी अच्छी होती है और किसकी पत्नी का रोज घर में पटाखा फटता, रोज लड़ाई झगड़ा, ऐसे क्यों होता है? किसको पास में कम पैसा, किस क्यों? कारण क्या बोले? कारण है हमने पूर्व जन्म में जैसे जैसे कर्म की, ठीक पत्नी ऐसे, बेटा ऐसे, पैसा ऐसे, मकान दुकान ठीक, ये जमदूत कह रहे ठीक ऐसे मिलता है, हैं? तो एक जन्म से हम दूसरे जन्म को पता लगा रहे, अभी हमें दो जन्म में पता हो गया, अभी इसी जन्म को पता चल ही रहा है, इसी जीवन में सब कुछ तो पता चल ही रहा है क्या हो रहा नहीं हो रहा, फिर जो अगली जीवन में होगा इसी जीवन के अनुरूप हमें जन्म देंगे। कहते हैं ना भैया तू इतने क्यों पाप कर्म कर रहे हो, तेरे को हर दुख भोगना पड़ेगा, हैं? इसी जीवन में जो कर्म कर रहे हैं इसके अनुरूप हमें अगले जीवन में होना पड़ेगा। इसलिए जब दुख देते हैं एक व्यक्ति तीन जन्मों के बाद वो अपना पता लगा सकता है, तीन जन्मों को। इसलिए अभी कहते तू देख कि कृष्ण नाम जो ले लिया ना उसको बेचना नहीं कभी, इससे तुमको मुक्ति मिलेगा। बोले ठीक है गुरुदेव। मरने का बाद जब जमपुरी गए चित्रगुप्त को बोले इसको काफी भरो, आपको पता है चित्रगुप्त मतलब क्या होता है? आपको पता है चित्रगुप्त क्या है? इसका नाम चित्रगुप्त क्यों? गुप्त मतलब होता है गोपनीय, चित्र मतलब होता है खटक भेजना। अगर हम सोचेंगे बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, प्रश्न बांटे बिहारी लाल की। चित्रगुप्त का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति सोचे हम 10 मंजिल ऊपर में बैठा हुआ घर के चार तरफ पे बैठे, अभी मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा कौन देख रहा है? करने सब कुछ तुम्हारी चित्र मतलब फटो गुप्त मतलब गुप्त रूप में सारे फटो तुम्हारी खींच रही है, सारे फटो तुम्हारी खींच रही है। कैसे? जैसे ये दिन है, ये सूर्य का जो किरण है ना ये सब जगह की सूर्य का किरण है, इसलिए हम जो कुछ कर रहे हैं ये सूर्य रात दिन में साकी है। बोले रात को ये चंद्रमा जो रात में चंद्रमा का किरण रात सब जगह में, इसलिए हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अपने आप सारे रिकॉर्डिंग हो रहा है। और मरने का बाद हमने जैसे जैसे कर्म करते हैं ठीक हमें ऐसे ही जन्म लेना पड़ता, इसलिए इसका नाम चित्रगुप्त है। गुप्त रूप में हमारे सारे पटो को वो ले रहा है, सब चीज को लिख रहा है। बोला इसका काफी बोलो कितने पाप और पुण्य किए, बोले इसके जीवन में कोई पुण्य नहीं पाप ही पाप है। बोले देखो तो सही, बोले हाँ एक बार इनके घर में इनके गुरु जी आए थे और इन्होंने गुरु जी ने इसको बोला एक बार तू कृष्ण बोल, उसने गुरु जी के मुंह से कृष्ण नाम सुन करके एक बार कृष्ण नाम बोला। अब गुरु जी बोले इससे मुक्ति मिलेगी अगर ये नाम को तुम नहीं बेचोगे, केवल एक कृष्ण नाम बोलो। इसको पूछा बताओ पहले तू पाप लोगो ना पुण्य लोगो? बोले भैया जो पाप तो लेना ही है हमें पुण्य दे दो, मैंने जो एक कृष्ण नाम किया है गुरु जी बोले से इससे मुक्ति मिलेगी, एक कृष्ण नाम का फल दे दो। अभी जब महाराज सारे वेद पुराण उपनिषद हो गए सब जगह में उनको एक ही बात मिला, बोले क्या मिला? बोले हरि से बड़ा हरि का नाम,
हरी से बड़ी प्रभु से बड़ा प्रभु प्रभु से बड़ा प्रभु हरी से बड़ा हरी से बड़ा प्रभु से बड़ा प्रभु प्रभु से बड़ा प्रभु
और उसने एक कृष्ण नाम को जप किए, ये कहता है एक कृष्ण नाम का फल आपको प्रदान करो, हैं? एक कृष्ण नाम का फल दो, प्रभु जी आप ही बताओ ये कृष्ण नाम का फल क्या दे दिया। उनको बुलाया और ठाकुर जी अपना गोद बैठा दिया, बोले एक कृष्ण नाम का फल है, अगर कोई शुद्ध साधु का मुंह से सुन करके बोला, जिनको स्वयं चित्रगुप्त जान ब्रह्मा शंकर भी कंधे पर लाकर बोल को वैकुंठ में ले आना पड़ता और एक दिन को मेरे गोद में स्थान उसको मिलता है, ये एक कृष्ण नाम का फल है। देखो भगवान के नाम कितने महिमा, इसलिए आप लोग है ना, आप जो बच्चे हैं घर में, जो आपको बच्चे हैं सब उल्टा पुल्टा नाम मत देना, ठीक है ना? क्या नाम रखोगे, क्या नाम रखोगे बच्चों का नाम? कृष्ण, गोविंद, राम, हैं? ये सब नाम रखो। और जो लड़की होगी ना, सीता, गीता, सावित्री, ललिता, विशाखा, ये सब ठाकुर जी का नाम रखो। जितना बार आप बच्चों को बुलाओगे ना, जितना बार बुलाओगे जीवा में उतना बार ठाकुर का नाम लेगा, देख रहे हैं? और जिस घर में ठाकुर जी का नाम लीजिएगा वो घर का पवित्र हो जाएगा, और बच्चा भी बारम्बार भगवान का नाम, बच्चे का कारण नहीं पड़ेगा, उसका भी मन को शांति मिलेगी। आप जितना बार प्रभु का नाम जप कर रहे हो वो सबके सब काफी में जमा हो रहा है, काफी में जमा हो रही है। इसलिए अगर कोई उल्टा पुल्टा नाम रखे बच्चे होगा ना, तो बदला दो, ठीक है? नहीं तो मेरे पास में ले आना कोई अक्षर बताना, फिर हम उसी अक्षर से बच्चे को ले आना मेरे पास, कौन सा अक्षर निकला मेरे को बताना, उसी अक्षर से सब बच्चों का हम भगवान का नाम लेंगे, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। राधे राधे सब बाधा को श्री राधा राधे तुम भाग्य कौन तीनों सुनते वो मेरी बुढ़ी भी नरती मेरी सती वृंदावन जाऊंगी मेरे गुंडे इस सब जगह ऐसे
Let me know.
शास्त्र लेकर के जब महाराज का चरण में फेंक दिए, बोले आज से आपका नौकरी हम नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले एक बहुत बड़ा पापी था जिसे पाप का कोई सीमा नहीं, और हम लेने के लिए गए तो कहां सबके सब विष्णु तो आकर के इतने सुंदर दिख रहे थे और हमको शास्त्रास्त्र से हरा दिया और हमको भगा दिया वहां से। वो व्यक्ति मरते समय कुछ बोला था, बोले हाँ एक बार वो नारायण का नाम लिया था। जब वो होश आया बोले वो तो मेरे प्रभु का दर्शन है, तुम लोगों का भाग्य की कोई सीमा नहीं। बोले देखो खबरदार, जो भगवान की भक्ति करते, जो भगवान की भक्ति करते हैं, हाँ देखो ध्यान से सुनो इधर। इतने में जमदूत कहते हैं भैया कौन तो उन्होंने बताया जैसे एक सधवा स्त्री है, अगर आप विदेश जाना चाहो ना, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, तुम्हारे पास में तीन चीज होनी चाहिए तभी जा सकते हो। पता है तीन चीज क्या है? पहला नंबर पासपोर्ट होनी चाहिए, दूसरे नंबर तुम्हारे पास में वीजा होनी चाहिए, और तीसरे नंबर टिकट होनी चाहिए, तभी तुम वहां जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। क्या उसी तरह अगर भगवान के पास में जाना चाहते हो ना, बोले ये पासपोर्ट क्या है? बोले गले में तुलसी की गंठी, कहती ये पासपोर्ट है भगवान को पास में जाने के लिए। देखो ध्यान देकर सुना, कोई कोई कहते हैं ना हर भक्ति करना तो तिलक कंठी माला पहनने का क्या जरूरत है? क्या मन मन में नहीं होता है? अंदर अंदर में करो ना, दुनिया को दिखाने का क्या जरूरत है? कुछ कुछ लोगों का ये कहना, बोले नहीं जरूरत है, वो अपना ड्रेस पहन करके जाता है, मैं तो उसको घुसने नहीं देता। जैसे कि बच्चा जब स्कूल में जाता है वो यूनिफॉर्म ड्रेस पहनता है, पढ़ाई के साथ में यूनिफॉर्म का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो यूनिफॉर्म ड्रेस नहीं पहनेगा ना अंदर घुसने नहीं देगा। जो पुलिस है अगर वो अपना ड्रेस नहीं पहनेगा उसको कोई मानेगा नहीं, कोई नहीं मानेगा। जैसे तुम्हारी पति जिंदा है, आपका पति जिंदा है, लेकिन आप सारे सुहाग अलग चिन्ह उतार दो, एकदम सफेद साड़ी जैसे विधवा होती है ना, एकदम विधवा ड्रेस पहन करके पति को सामने चले जाओ, बताओ तुम्हारे पति में स्वीकार करेगा कि नहीं? बोले क्यों? पति को अंदर में रखा ना, दुनिया को क्यों दिखा रहे हो? सिंदूर मांग भर कर दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हो? अंदर में पति को रखो ना, दुनिया को क्यों दिखा रहे हो? ये पति कब से तुम्हारी हुए? शादी से पहले कोई मतलब था तुम्हें? बीच में डाइवोर्स हो गया तो, और एक दिन तो शरीर छोड़ना है। जब दो दिन पति के लिए इतने तुमने श्रृंगार भर दिए हो, जो हमारी जन्म जन्मांतर का जो पति है, जो कभी हमें छोड़ने वाले नहीं, हम कहते हैं आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बने, तो उसके लिए कितने चीज धारणा करनी चाहिए? हाँ, जैसे गोस्वामी तुलसीदास, मीराबाई, हनुमान, देखो कंठी तिलक माला है ना, इसलिए भगवान की भजन करने के लिए ये सब चीज की जरूरत है। कि कौन कह रहे हैं ये? जब महाराज उन दूतों को कह रहे हैं, बच्चों उनका कर्म ये लक्षण होता है, देखने से पता चल जाता है ठाकुर जी की
हैं, ठाकुर जी की श्रृंगार के लिए, ठाकुर जी को खुश के लिए ये श्रृंगार को धारण करते हैं, ठीक है ना। एक बार हाथ उठाकर बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जितने जोर से देखो आप लोग, कितने यहाँ पर कितने कर रहे हो, कम से कम लोग आप जब जोर से प्रभु का नाम लोगे ना, ये भगवान का जो नाम है पूरा सारा दुनिया में बिखर जाती है। जैसे पानी में कोई पत्थर फेंको उसमें लहरी आती है ना, लहरिया, उसी तरह जब भगवान के नाम लेते हो ये ध्वनि, ये शब्द, ये दिव्य है, ये शब्द कोई खत्म नहीं होता, इसका जो आवाज की जो ध्वनि वाइब्रेशन पूरा चारों तरफ में गूंज रहा है। जितने जोर से भगवान का नाम लो, ये गाँव का जितने दुख कष्ट है, घर का जितने अशांति, आप देख लेना घर में जब बहुत ज्यादा दुख हो किसी तरह से दुख नहीं जाता है, आप कहीं आपको जाने का जरूरत नहीं, कहीं जाने का जरूरत नहीं, घर में बैठो, अगर बजरिया ध्वनि की हो अच्छी बात, और कुछ भी नहीं हो थोड़ा ताली बजा देंगे ठाकुर का धर्म कीर्तन, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, हम स्वयं देख लेना जब भगवान की थोड़ी घर में कीर्तन करोगे, घर में घर का जितने दुख कष्ट तुम्हारी अपनी आप नष्ट हो जाएगी, अपनी आप नष्ट हो जाएगी। वाल्मीकि जैसे दसु रत्ना कर मरा मरा करते करते अगर वो ब्रह्म इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी बन सकते हो, भगवान के नाम में कितने शक्ति, आप इतने लोग जो प्रभु का नाम ले रहे हो ना, ये नाम पूरा दुनिया में जा रहे हैं नाम, और इसको द्वारा दुनिया का सारे दुख कष्ट सबसे सब भाग जाएंगे। इसलिए जोर जोर करके हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हम कह लेते हैं ये तुलसी कट्टी की उपाय है, इसमें बड़ी महत्व है, आप ध्यान देकर सुनो, गले में हम ये तुलसी की कट्टी क्यों पहनते हैं। अब कल मैं आपको सबको पूछूंगा, आज तो मैं सुनाऊंगा, कल आपसे मैं सुनूंगा, इसमें क्या साइंस है। जब हमारे अब इस्कॉन का नाम सुने होंगे, भक्तिवेदांत स्वामी महाराज, ये जब अमेरिका में प्रचार करने के लिए गए तो वो अंग्रेजी लोग को बोले भैया गले में तुलसी की कट्टी पहनो, बोले हम कट्टी क्यों पहने, ये लकड़ी है, ये तुलसी की लकड़ी है ना, बोलिए लकड़ी की कोई पैकिंग पहने, हमारे पास में सोने चांदी हीरे जवाहरात है, हम गले में सोने चांदी पहनेंगे, ये लकड़ी क्यों पहनेंगे। देखो उन्होंने क्या उदाहरण दिया, तो उन्होंने हमारा बेदों से पुराण से उपनिषद से ये तुलस की महिमा उन्होंने बताया, ये तुलस में कितने शक्ति है। तब अमेरिका में वो साइंटिस्ट लोगों ने बोले भैया ये हिंदू लोग ये पेड़ पूजा क्यों करते हैं, तुलसी के तो पेड़ है ना, ये तुलस की पेड़ को पूजा क्यों करते हैं, तुलस की परिक्रमा करते हैं, तुलस में दिया जलाते हैं, तुलसी को आरती उतारते हैं, बल्कि ये कि पेड़ को क्यों पूजा करते हैं। तब अमेरिका में ये वृक्षों को उन्होंने रिसर्च किया, ये तुलसी वृक्ष में है क्या चीज, जब उन्होंने रिसर्च करके देखा पृथ्वी में सबसे ज्यादा जो मेडिसिन देखा ये तुलसी वृक्ष में। आप लोग जहाँ मेडिसिन शॉप है ना, वहां से एक चीज मांगना जाकर के दुकान से, उसका नाम है तुलसी पाउडर, आप पूछना आपको पास में है, और 8-10 रुपया का मिलेगा, आप उसको लेना, इतना बड़ा बोतल होगा, आप देखना उसके अंदर में इतना बड़ा पेपर होगा, आप उसको पेपर को पढ़ करके देखना, कहते अगर दो दो तुलसी पत्ता खाएगा ना, केवल दो दो तुलसी पत्ता खाएगा कभी जीवन में टीबी कैंसर कब तुम्हें जिंदगी नहीं होगी। और उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ स्कीम के लिए आंख के लिए कान के लिए, आप उसको कैसे व्यवहार करो, आप उसको कैसे व्यवहार करोगे, उसमें कम से कम 200 बीमारी का नाम लिखी हुई, कौन सा बीमारी होने पर किस रूप में आप उसको ग्रहण करोगे, इतने सक्रिय तुलसी वृक्ष में। अगर गले में ये कंठी धारण करोगे ना, गले में कंठी पहनोगे, जैसे स्नान करते हो इसका पानी सारा शरीर में जाएगा,
जैसे सारी बीमारी को सारी बीमारी को निकाल लेती है। आप लोग तो हिंदू आपको पता होगा सालग्राम के साथ में तुलसी की शादी होती है, पति है कि नहीं? ये तुलसी कौन है? माँ लक्ष्मी। अगर गले में कंठी मतलब किसकी विवाह हो गई? माँ लक्ष्मी की विवाह हो गई, माँ लक्ष्मी आ गई। और तुलसी में भगवान का निवास है। जब भगवान ये दुनिया छोड़कर भी गए अपने आप को कहाँ रख करके गए? तुलसी में रख करके गए। हम कहते हैं ना वृंदावन चलो लड़कियों, बोले वृंदावन जहाँ तुलसी की बहन है, बोले कहाँ कौन है? बोले बाकी भी आई हुई है। मतलब गले में तुलसी कटी मतलब कौन कौन हो गए? लक्ष्मी और नारायण, ये दोनों की निवास हो गए। हाँ अभी प्रश्न है, आप मेरे तरफ में देखो, ये कंठ में हम यहाँ पर उसको क्यों पहनते हैं? ये गले में क्यों धारण करते हैं? तो कितना बड़ा इसमें साइंस है, हाँ? इसमें कितने बड़ा लाभ है? कहते शरीर का जो सबसे कोमल अंग है ये कंठ है। अगर किसी व्यक्ति को मारना हो ना, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, बस तो गला दबा के खत्म हो जाएगा, गला दबा के खत्म हो जाएगा, और कुछ करने का जरूरत नहीं। इसलिए शरीर में जब कोई गंदी चीज प्रवेश करती है वो इधर से, बच्चों को ताबीज कहाँ पहनाते हैं? कहाँ पहनाते ताबीज? गले में। आप क्रिश्चियन को देखो, मुसलमान को देखो, कुछ ना कुछ गले में, गले को खाली नहीं रखते, कुछ ना कुछ गले में पहनते हैं। अगर ये तुलसी में कौन हो गए? सारे पेटी लक्ष्मी नारायण हो गए। अगर कोई गंदी चीज अगर आए आपका अंदर में, ये प्रवेश नहीं करेगा, ये आपको रक्षा कर प्रोटेक्ट कर गएगा। इसलिए हम उसको कहते कंठी, कंठी मतलब जो कंठे में रहता है। देखो हम तो हिंदू हैं, हम तो हिंदू जानते हैं। अब जाओ वृंदावन में जाओ, वहां अंग्रेजियों को देखो, हम तो कितने पतले पतले कंठे पहने, वो तो इतने मोटे मोटे लकड़ी है ना तुलसी की, स्वयं काट काट करके माला बनाकर उसको इतने मोटे मोटे देखोगे गले में एकदम तुलसी। हम तो तीन पहने, वो 10-15 मीटर बैठते हैं, मतलब इतने महिमा है तुलसी गले में धारण करने का। जब महाराज दूतों को कहते हैं जिनकी गले में तुलसी करके देखो को प्रणाम करना, समझ जाना ये ठाकुर भगवान के, मैं उनका पाप को विचार नहीं कर सकता, भगवान करेंगे। और हमारे जो गुरु जी कहते थे, हमने ध्यान देकर सुना, बोले दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। पर कैसे पता चलता पालतू कुत्ते? जो पालतू कुत्ते होते हैं गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है किसी घर के कुत्ते हैं। जो फालतू कुत्ते हैं गले में पट्टे नहीं होता है, रोड रोड में घूमते हैं। देखना पालतू तो कोई मारता नहीं और फालतू कोई छोड़ता नहीं। अगर गले में तुलसी कटी है ना, फिर तुम कौन हो गए? ठाकुर जी की पालतू, ठाकुर जी की पालतू। और जिनकी गले में कंठी नहीं वो कौन हो गए? कौन हो गए? हाँ बताओ, आप पालतू बनोगे ना फालतू बनोगे? क्या बनोगे? हम सबके सब ठाकुर जी की पालतू बननी चाहिए, ठीक है? इसलिए जब विष्णु दूतों ने जमदूत को मार मार कर भगा दिया, इतने में अजामिल बराई को मरने जा रहा था, उसने देखा कैसे विष्णु दूत और जमदूत में कैसे लड़ाई हुई, और मैंने भगवान को नहीं पुकारा, अपना बेटे को मैंने नारायण नाम लिया और सारे पाप से मुक्ति मिल गई, वो मराई नहीं। फिर उन्होंने हरिद्वार में गया, फिर भगवान की भजन की। जब उनका हृदय में प्रेम प्रकट हुई, देखा वैकुंठ से फिर रत्न बैठ कर दी, वही विष्णु दूत उतर कर लिया है रत्न वैकुंठ, और उनको लेकर के ठाकुर के पास में गए। देखो बच्चे का नाम रख करके कितने कल्याण हो, ठीक है ना? इसलिए आप सबके सब बच्चों का नाम भगवान का नाम ले कराना, ठीक है ना? ठाकुर जी का मेरे पास में ले आना, सब बच्चे अगर भगवान का नाम इसका नहीं मेरे पास में लिया ना, सब बच्चों का नाम पहला आगे रख करके सब हम ठाकुर का नाम भरा। वो आधार कार्ड में, जो आधार कार्ड है ना उसको आधार कार्ड में रख दो, उसका आधार कार्ड में रहने दो, और बच्चों का नाम घर में जो नाम बुलाओ ना ठाकुर का नाम बुलाओ, जो आधार कार्ड में ना उसको रहने दो। जैसे अंग्रेजी लोग हैं ना, आप देखना उनको तो विदेश, उनका जो आधार कार्ड और पासपोर्ट का नाम अलग है, वो विदेशी लोग है। लेकिन भारत का जो नाम है वो अपना गुरु जी से जब भगवान की भक्ति ली माला ली, उनका नाम सब अलग अलग है, कृष्ण गोविंद ललिता विशाखा ऐसे ऐसे नाम है, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की, जय जय श्री राधे।
आज तो भगवान कृष्ण जन्म ले रहे हैं और कल से राधा रानी जन्म ले। आज आप लोग कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आए? पीला रंग है ना, ठीक है। और कल है ना गुलाब रंग के सब किसी साड़ी पहन कर जाना, ठीक है। कल से राधा रानी की जन्म उत्सव मनाएंगे। देखो भगवान बामन देव आने वाले हैं, हरे कृष्णा। मतलब देखो ये देवता दैत्य में जब लड़ाई होती थी, ये देवता जब मरे ना ये मर जाए, अगर दैत्य मरे ना, इनका गुरु शुक्राचार्य उनको एक मंत्र पता है जिसका नाम संजीवनी मंत्र कहते हैं, वो अपना चले वो जिंदा कर। देवता लोग ठाकुर जी के पास में गए, बोले प्रभु हम कैसे अमर बने? बोले देवता दैत्य मिलकर समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा उसको पी करके अमर बन जाओगे। फिर उन्होंने समुद्र मंथन की, सबसे पहले हलाहल जहर निकला, बीच टर्न के टर्न। फिर जाकर के श्री भोले बाबा को प्रार्थना की, शंकर जी ने टर्न का टर्न उन्होंने जहर पान कर लिए, और पान करके कहां रख के? बोले गले में रख लिया, इसलिए उनका कंठ नील बन गया, इसलिए शंकर जी का एक नाम हो गया नीलकंठ नाम पड़ गया। बोले श्री नीलकंठ महादेव की। अच्छा तरह से सीख करके जाओ। प्रश्न है शंकर जी इसको गले में क्यों धारण किया, उसको हृदय में क्यों नहीं और मुख में क्यों नहीं? आप इतना चीज आप समझ करके जाओ। कहते कहते कोई अगर गंदी चीज हो ना, कभी उसको मुंह में मत रखा करो, कभी मुंह में मत रखा करो, क्यों? फिर तो घर में लड़ाई कराएगा। आपसे एक प्रश्न करता हूँ, शरीर में सब जगह में हड्डी है, जैसे अंगुल में हड्डी सीधा कर देते हैं, हाथ में हड्डी सीधा कर देते हैं, कमर में हड्डी बैठेंगे, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं, बता सकते हो किसमें? बाबा रे लगता है बड़े पंडित लोग आप हैं। हाँ, केवल जीभ में ये हड्डी नहीं, इसलिए देखना जो जीभ है ना ये हर समय लपर 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 करता है। आप जानते हो ये महाभारत क्यों हुई? बताइए महाभारत ये द्रौपदी की वजह से महाभारत हुई, क्योंकि उसने जुहा चला दी। केवल दुर्योधन को बोल दिया अंधा का बेटा अंधा होता है, महाभारत हो। आपको पता है ये रामायण क्यों हुई? सीता की वजह से, उसने भी जुहा चलाया। कब? जिस समय मारिच ने हिरण बन करके आया और सीता ने बताया ये हिरण को मेरे को पकड़ करके ला दो, भगवान राम उसको पीछे चले गए और वो हिरण नहीं था मारिच। जब भगवान राम ने उसको ये बच्चों को लेकर पीछे बैठे, माता जी पीछे बैठो, इसको पीछे लेकर जाओ, माता जी उसको पीछे लेकर जाओ, इसलिए उसको पीछे लेकर चल गया। हरे कृष्णा। जिस समय उन्होंने मारिच को बाण प्रहार किया तो उठा राक्षस, इतने में उसने बड़ी जोर से चीखा, भैया लक्ष्मण बचाओ। इतने में सीते बोले लक्ष्मण देखो तेरे भैया पर कोई विपत्ति पड़ा। लक्ष्मण को पता है भगवान को विपत्ति आ ही नहीं सकती, बोले नहीं। भैया ने कहा आपको छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा, क्यों? यहाँ पर राक्षस लोग रहते हैं। इतने में सीता अपना जीहा को चला दिया। सीता ने क्या बताया? सीता ने क्या बताया? बोले अभी मैं समझ रही हूँ तू साथ में क्यों आया था। ओ ये तू सोच रहे हो राम अगर मर जाएगा और तू मेरे से शादी कर लोगे? बा सीता ने इतनी बात उसने सीता ने बताई बताई तो इतने में उन्होंने लक्ष्मण चला गया और रावण आया और उसको उठा करके लेकर चला गया। इसलिए केवल इस जिह्वा चलाने पर ना आप देखना संसार में यही होता है, घर में कुछ नहीं हुआ है लेकिन हमारे जिह्वा कैसे थोड़ी सी सील हो गई, कैसे थोड़ी सी बाड़ी निकल गई। देखो ना भाई भाई में लड़ाई, बहू बहू में लड़ाई, परिवार में ये महाभारत और रामायण शुरू हो जाता है। हाँ देखो ये माताओं को ये शिक्षा देते हैं श्री भोले बाबा, आप लोग सावधान रहो, कभी भी ये जिह्वा चलाना नहीं, बिना कारण के कभी ये जिह्वा में उल्टा पुल्टा चीज नहीं बोलना। इसलिए यही चीज को लेकर के जितने सारे संसार में लड़ाई झगड़ा दुख अशांति दुख कष्ट है, इसलिए शंकर जी कहां पर रखे जहर को? गले में। कोई गंदी चीज हो हृदय में मत लिया करो, क्यों? ठाकुर जी बैठे उसको गले में रखेंगे। कोई गंदी चीज होता है ना उसको आप गले में रखो, मुंह में मत रखा करो, नहीं तो फिर तो जहर बन जाएगी है। फिर समुद्र मंथन हुई, फिर दिव्य दिव्य रत्न निकली, फिर माँ लक्ष्मी निकली, तो उन्होंने भगवान नारायण को गले में माला डाल दिए।
बोले श्री लक्ष्मी नारायण की, फिर मंथन हुई तो उसमें अमृत निकला, धन्वंतरी भी लेकर गई, फिर दैत्य लोगों को छीन लिया तो ठाकुर जी मोहिनी अवतार लिए और बोले तुम दोनों लाइन करके बैठ जाओ और अमृत को मैं बांट दूंगी, पहले देवता को फिर तुम लोगों को साथ में गाढ़ा गाढ़ा बैठ कर पिएंगे। बोले मोहिनी अमृत नहीं मिला, अगर तू मिल गया तब सबको पी जाएगी। जब देवता को पिला रहे थे इनमें सूर्य चंद्र को बीच में स्वर भान नाम को दैत्य बैठे पी गया। चंद्र सूर्य बोले प्रभु ये दैत्य ये देवता नहीं, भगवान चक्र को बुलाया कलम काट दिए, काल ये तो राहु और केतु बने, इसलिए आप देखना चंद्र सूर्य को बीच बीच में ये ग्रहण करते हैं, मतलब उनको निकल जाते हैं। देखो जब उनको खून गिरा है ना, जब चक्र काट दिए, जब खून गिरे और जहां पर उनको हड्डी गिरा, जहां पर उनको मांस गिरा, कहते वहीं से ये प्याज की पौधा हो गई, और जहां पर उनकी हड्डी गिरे वहीं पर हो गया लहसुन की पौधा। इसलिए ये दो चीज को तामस की मानी जाती है। आप लोग नवरात्रि रखते हो? कौन कौन नवरात्रि रखते हो? आप 9 दिन तक इसको खाते हो? नहीं खाते। बोले क्यों नहीं खाते? कि उसका जो सृष्टि है वो गंदी चीज से हुई है, हैं? ये गंदी चीज से हुई, इसलिए कहीं ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है, ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। 9 दिन तक माता जी के लिए क्यों नहीं खाते हो? माता जी नाराज होती, उनको खुश नहीं। क्या 9 दिन के लिए मैया खुश करना था, फिर खा करके उनको नाराज कर दो? नहीं, जो चीज भगवान को सेवा में नहीं लगना है ठाकुर जी को चीज हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना? और भगवान को शुद्ध रूप में बना करके हो जाएगा। आप स्वयं ये काम करके देखो, हमारे घर में शांति सुख नहीं, आप एक ही काम करना, केवल एक ही काम 7 दिन करके देखो, प्याज लहसुन मत खाओ, जो कुछ बनाते हो शुद्ध रूप में बनाओ, भगवान लड्डू गोपाल होगा सामने रख लो, नहीं राम होगा सामने रख लो, उसमें तुलसी पत्ता दे दो, ठाकुर जी को भोग लगाओ और खाना खाओ। आप 7 दिन में देखना, जो दुख को आप कभी दूर नहीं कर पाते हो, आप 7 दिन में देखना तुम्हारे घर का जितने दुख कष्ट है अपनी आप खत्म हो जाएगी। क्यों? कृष्णा ये गीता में इस श्लोक स्वयं कहते हैं, संस्कृत को समझते हो? देखो ये गीता का श्लोक है, प्रसाद सर्व दुखाना हानि रस उपजायते, हे अर्जुन जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा करके खिला खाता है घर का सब दुख कष्ट उसके दूर हो जाते हैं, और जो भोग नहीं लगा कर खाते हैं कृष्ण कहते हैं भुंजते अगम, वो केवल पाप हो जाते हैं। इसलिए इतना काम करो, ठीक है? जो कुछ खाओ भोग लगा, देखो भोग लगाने पर ना एक चीज याद, अच्छी तरह सुनो, जो भगवान को भोग लगाएगा उसी उसी घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, उसी घर में क्या नहीं आएगी? हाँ देखो क्यों नहीं आएगी, किस चीज को समझ लो, ये चीज को समझ लो क्यों नहीं आएगी दरिद्रता, क्योंकि आप जो कुछ खाते हो ठाकुर जी को भोग लगा दो। अगर तुम्हारे घर में दरिद्रता है ठाकुर भोग किस लगा? और जो चीज हम खर्च करते हैं पैसा से, कैसे गलती करते हो? पैसा से, पैसा लक्ष्मी, पैसा लक्ष्मी, लक्ष्मी किसकी है? ठाकुर जी की लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम्हारी नहीं। अगर वो लक्ष्मी देखती है वो मेरे से मेरे को तो ठाकुर को सेवा में लगाते हैं, लक्ष्मी को क्या करते हो आप? ठाकुर को भोग लगा रहे हो, जब भोग लगा रहे हो फिर लक्ष्मी सोचेगी अगर इसी घर में हम नहीं आएंगे फिर मेरे प्रभु को सेवा कैसे करेगी, इसलिए लक्ष्मी जरूर तुम्हारे घर में आएगी, क्योंकि आप हर चीज ठाकुर जी को भोग लगा कर खाते हो। देखो एक संत की कथा सुनाने का ध्यान देकर सुनो, बोले एक समय किसी घर में बहुत बड़ी शादी थी, उनने सब लोगों को निमंत्रण दिया, सब लोगों को उन्होंने निमंत्रण दिया, अब ध्यान देकर सुनो, उन्होंने संतों को भी कुछ संतों को भी निमंत्रण दिया और जितने बड़े बड़े पैसे वाला थे टाई कोट बूट पहन उनको भी निमंत्रण दिया और सभी दोनों के लिए अलग खाना रखा। उसने देखा ये संत लोग तो कुछ लेकर के आई नहीं, इनके लिए ना कल का जो खिचड़ी बना हुआ इनको भेज दे, और ये जो जितने टाई कोट बूट पहन करके आए ये तो कुछ ना कुछ लेकर के आए, रिश्तेदार इनके लिए रसगुल्ला राबड़ी मलाई और चकाचक भजन इनके लिए भेजो। आप ध्यान दे सुनो क्यों लक्ष्मी आती है? अभी ठाकुर जी को चिंता लग गई, किसको चिंता लग गई? ठाकुर जी को। बोले क्यों? बोले ये संत लोग हैं, वो कह रहे कल का जो बासी खिचड़ी संतों को मिला, लेकिन संत लोग जो खाते हैं देखना
कभी भी बगैर भोग लगाए संकल्प कभी खाते ही नहीं, वो सबसे पहले मेरे को भोग लगाए, मतलब कल का जो खिचड़ी मेरे को खाना पड़ेगा, मेरे को भोग लगाए खाएगी नहीं। और ये जो टाई कोट और बोट पहन करके आए, जो मेरे से भजन भजने से कोई मतलब नहीं, हाँ जो मेरे को भोग नहीं लगे वो चकाचक खाएंगे और मेरे भक्त लोग गधे चीज खाएंगे, इतने भगवान कृष्ण स्वयं आ गए, आ करके व्यवस्था आपको स्वयं करके भगवान बन करके जो बढ़िया बढ़िया रसमलाई लेडी चमचम था ना उसने भेज दिया संत को करना, और जितने खिचड़ी पहले था उसको भेज दिया, जो टाई बूट कोट बन गए थे बस संतों के पास में चकाचक बस कोई ना, वो तो प्रभु को भोग लगाए लिए, ठाकुर जी को तुलसी दल से भोग लगाए और चकाचक भोजन किया है। इसलिए देखो जो भगवान को भोग लगाएगा लक्ष्मी जरूर उसके घर में आएगी, ठीक है ना, और अगर भगवान के भोग नहीं लगाओगे ना लक्ष्मी तुम्हारे घर में नहीं आएगी। फिर अगर किसी जीवन में भले ही कोई कर्म किया तुम्हारे घर में आ गई, अगले जीवन में तुम्हारे घर में लक्ष्मी नहीं आएगी, है? क्योंकि वो सोचेगी वो मेरे को प्रभु का सेवा भी नहीं लगाएगी, फिर तुम्हारे पास में नहीं आओ, ठीक है ना। क्या करना, घर में जो कुछ खाओ ठाकुर जी को पहले भोग लगाओ, इतना काम आप जरूर करना, भागवत से इतना चीज लेकर के जाओ वृंदावन बिहारी लाल की, इतने में सारे देवता को अमृत पी करके बच्चों को मारना शुरू कर दिए, इतने में फिर शुक्राचार्य आकर हमला कर दिए, दैत्यों का जो राजा बलि ने उसने एक यज्ञ किया जिसका नाम विश्व शांति महायज्ञ किया, जिससे एक रथ निकला, फिर बैठ करके उन्होंने सारे देवता को मार मार कर भगा दिए, जब भगा दिए इतने में फिर सारे देवता लोग मरते जगत में आए, इनकी माँ अदिति श्री कश्यप जी को बोले मेरे बच्चों को स्वर्ग कैसे मिलेगा, बोले कि पैरों व्रत कर बाहर इनका भगवान वामन देव अवतरित होकर के राज्य स्थापित करेंगे, फिर तो भगवान वामन देव प्रकट होते हैं, बोले श्री वामन भगवान की जय। आपके बच्चे को लिया जब भगवान वामन देव प्रकट हुए इतने में उनकी अभिषेक की गई, उपनयन संस्कार की गई, नियम है उपनयन संस्कार के बाद में बच्चे का फिर है बच्चे को भिक्षा मांगना पड़ता है, बोले गुरुदेव क्या भिक्षा दे, जाओ तुम जाकर के स्वर्ग राज्य को मांग करके बलि महाराज से लेकर जाओ, फिर श्री वामन देव बलि महाराज के पास में जाते हैं और उन्होंने तीन पग उन्होंने जमीन में आगे, एक पग में भूर भूव भुव जन तप सत्य लोग को ले लिया वहां पर बैठे, और एक चरण से अतल बीतल तलातल पाताल लोग को ले लिया, बोले बताओ तीसरे चरण कहां पर रखे, तब उन्होंने गरुड़ जी को बुला करके बोले उसको नाग पास बंधन में बांध दो, जब बांध दिए इतने में बलि महाराज की पत्नी ने वो बड़ी बुद्धिमती है और बड़ी भगवान की भक्त है, आप मेरे तरफ में देखो, आप तो मेरे को देखना भूल गए, आप तो मेरे को देखना भूल गए, मेरे तरफ में देखो ये अभी आपके पास भी जाएगा, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री बलि महाराज की, बोले श्री वामन भगवान की, जय जय श्री राम। इतने में उनको पत्नी ने बोली प्रभु आप भगवान को क्या दिया, कुछ दिया ही नहीं, दुनिया उन्हीं की और उन्होंने दुनिया ले ली, जब तक खुद को खुद उनको नहीं दे सकते हो तब तक कुछ देना नहीं होता है, बताओ ना अपना सर पर रखे, बोले वाह सचमुच से पत्नी ऐसे होनी चाहिए, देखो ध्यान करके सुना, उसका नाम है पत्नी, पत्नी का मतलब क्या जानते हो, प मतलब होता है पतन होना, ती मतलब होता है जो पत्नी को कभी गिरने नहीं दे, हर समय पत्नी को ऊंचा बना कर रखे, ये पत्नी है, ऐसे नहीं सुख में रहे और दुख हो जाए तो भाग जाए, नहीं ये पत्नी नहीं, इसलिए देखा तुम सचमुच से तुम पत्नी हो, हैं कितने सुंदर तुमने बुद्धि प्रदान की, उन्होंने पूछा ये बताओ दान बड़ा ना दानी बड़ा, भले दानी बड़ा बोलते आपको बोले दान लिया वो दानी तो स्वयं बाकी, बताओ आपका तीसरा चरण कहाँ रखे, भले कहाँ पर रखे, भले मेरे सर पर रख दो ठाकुर जी, तीसरे चरण उन्होंने श्री बलि महाराज का सर पर रखे, सारे देवता देख देख कर हैरान हो रहे थे, जिन चरणों को पाने के लिए ब्रह्मा शंकर नारद तरसते हैं, आज ठाकुर ये चरण श्री बलि महाराज का सर पर रखे,
सारे देवता लोग उसको ही बोझार और उन्हें जयकार लगाए। बसी बलि महाराज की कोई जय नहीं बोल रहे, क्या कर रहे हो इतने जोर से जयकार लगाओ, जय 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 ध्वनि वैकुंठ नगर ठाकुर तो पहुंच जाए जोर से। बोले श्री वृंदावन बिहारी राम की लगना किसी कथा होगी। अभी उन्होंने सारे देवता को जयकार दिए। अभी बामन देव बोले हमको क्या चाहिए, ले जाओ बलि महाराज से तुम स्वर्ग राज्य को मांग करके लाओ। जब बलि महाराज को पास तक पहुंचे भगवान बामन देव को देख करके बोले महाराज जी पर धन्य हो गया, क्या सुंदर ब्राह्मण है। बोले बेटा आज तेरे को मैं इतने दान दक्षिणा दूंगा कहीं तुम्हें झोली पसारने का जरूरत नहीं, जो मांगना जी भर कर मांग लो। बोले पहले संकल्प करो, जब संकल्प करने जा रहे थे इतने शुक्राचार्य दौड़ दौड़ मेरे का बोले बलि महाराज सावधान। बोले क्यों क्या हो गया। बोले जानते हो ये कौन है। बोले कौन है। बोले पहले जो मोहिनी बनकर गया था और तुमको अमृत से वंचित कर दिया वो मोहिनी, अब ये मोहन बनकर आया। ये तीन पद जमीन मांगेगा, अभी ये अपना एक पद में तो सारा दुनिया ले लेगा, अभी तीसरे पद रखने के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे दान को दान नहीं मान जाते तो सब कुछ लूट जाएगा। बोले आज तो मेरे दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू। बोले क्यों। बोले एक में तो भगवान और दूसरे में मेरे पास में दान मांगने आए। कौन आए हैं। विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है वो तो इच्छा करने पर सब कुछ ले सकते हैं दुनिया होने की, और मेरे पास में दान मांगने के लिए आए। मेरे जैसे सौभाग्यवान कोई होगा जो भगवान दुनिया को जो दे रहा है और उनको हम कुछ देंगे। भैया आप जीवन को धन्य हो गया, आप तो देखे। बोले मेरी बात नहीं सुनोगे। बोले नहीं। बोले मैं गुरु हूँ, मैं गुरु हूँ, अगर मेरी बात नहीं सुनोगे ना तो श्री भ्रष्ट हो जाओगे। बोले जो कुछ होना हो जाए लेकिन हम भगवान की भक्ति भगवान दान हम जरूर देंगे। देखो शास्त्र में बताया गुरु त्याग नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने त्याग कर दिया। बोले क्यों। जिसने भगवान की सेवा के लिए मना करता है, सेवा के लिए जो भगवान की मना करते हैं भले वो गुरु बनने का लायक ही नहीं है। इसलिए उन्होंने गुरु जी को उन्होंने त्याग दे दी। त्याग दे करके भगवान एक पग में भगवान ने पूरा स्वर्ग गुरु भुव मोहन तप सत्य लोग को ले लिया। अब वो चरण जो ब्रह्मांड कठा में जब प्रवेश किया कठा फट करके वहां पर गंगा स्वयं प्रकट हुई। बस पतित पावनी गंगा मैया की। अब दूसरे चरण में अतल विकल तलातल पाताल लोग तक हैं, दो पद में सब कुछ ले लिए। और तीसरी पद में हैं उन्हें तीसरी पद उनके सर पर धारण की। जब धारण की भगवान संतुष्ट हो गए बोले जा बेटा तेरे को हम सुतल लोगों में स्थान देते हैं, पाताल लोग में वो स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्य है। बोले बेटा कुछ वर मांगना। बोले प्रभु मेरे को एक ही बार दो। बोले बताओ। बोले मेरी मन में इच्छा है जब मैं घर से निकलू ना आपका दर्शन करते हुए, जब घर में आऊ आपका दर्शन करते हुए आऊ। भगवान तथास्तु बोल दिए, मतलब समझ गए ठाकुर जी दरबार में इतने भक्ति उन्होंने की ठाकुर जी स्वयं दरबार बनकर बैठ गए हैं, दरबार बनकर बैठ गए। एक दिन श्री नारद जी वैकुंठ में पहुंच के देखा दादी। बोले ठाकुर जी कहाँ गए। बोले पता नहीं कहाँ गए थे, अभी तक आए नहीं। बोले ठाकुर तो विदेश में अपना नौकरी ढूंढ लिया। बोले नौकरी। बोले कहाँ पर। बोले बलि महाराज के दरबार में अपना नौकरी उन्होंने ढूंढ लिया। इतने में माँ लक्ष्मी स्वयं वहां पर आती है बलि महाराज से मांगने के लिए भगवान को, और जिस लाइन में सत्य सब खड़े है ना माँ लक्ष्मी भी उसी लाइन में खड़ी हो गई। जब लक्ष्मी की नंबर आई बोले बताओ क्या चाहते हो। बोले पहले अब संकल्प करो। बोले पहले तो एक संकल्प कराने वाला आया था, ये दूसरा संकल्प कौन कराने वाले आए। वो समझ गए। बोले संकल्प की क्या जरूरत है, भागो ना। बोले बगैर संकल्प से मैं नहीं मांगती हूँ। जब उन्होंने संकल्प की बोले देखो मेरे घर में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन एक ही चीज कमी है, मेरे घर में कोई दरबार नहीं। हमने देखा तुम्हारा एक सुंदर दरबार है, ये दरबार तो मेरे को दे दो। फिर तो समझ गए ये कोई साधारण नहीं। बोले बताओ आप है कौन। अरे मां लक्ष्मी स्वयं प्रकट होती है। बोले देखो प्रभु आपको तो मैं दे ही नहीं सकता, आप एक स्वरूप में रहो और दूसरे स्वरूप में जाओ। देखो
भगवान भक्तों का प्रेम में कितने वसूल होते हैं। बलि महाराज ने भगवान वामन देव को लेकर के मां लक्ष्मी को दे दी। किसको दे रही है, किसको दे रहे हैं? लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी को देखे हो? लक्ष्मी हर समय कैसे बैठे, हम सबके सब लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं ना। अगर लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी तात्काल बन जाएंगे सब कुछ। अगर लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी, दुनिया लक्ष्मी की कृपा चाहती है, सारा दुनिया लक्ष्मी से कृपा चाहती है, लेकिन आज स्वयं बलि महाराज माँ लक्ष्मी दुनिया को जो देती है उनको दान दे रहे हैं। बोले क्या दान दे रहे हैं? बोले छोटे मोटे चीज नहीं, विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक श्री वामन देव को उन्होंने माँ लक्ष्मी को दान दिया, मतलब सबसे बड़े दानी बलि महाराज बने। बोले श्री बलि महाराज की जय। जय श्री राम। अभी भगवान कहते हैं देवकी पशुपति उसको बनाया देखो। अभी श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा बोलने जा रहे हैं। कृष्ण कैसे जन्म हुए? जब उन्हें कृष्ण कथा बोलने जा रहे थे, कहते एक ब्रह्मा जी की परंपरा में एक राजा हुए जिनका नाम था श्राद्ध देवमल। कहते घर में हरे कृष्ण, ये वामन देव आप लोगों के पास है ना, ये वामन देव भिक्षा लेने के लिए जाएंगे और भगवान को भिक्षा देने का बड़ा पुण्य है। ठाकुर जी को सुदामा ने दो मुठी पिलवा दिया तो ठाकुर जी ने क्या किया? त्रिभुवन का राज्य ठाकुर जी देंगे। इसलिए भगवान को देने का बड़ा पुण्य है। अभी भगवान वामन देव आपके पास में भिक्षा लेने जाएंगे, आप लोग कुछ थोड़ी थोड़ी भगवान को भिक्षा देना, भगवान को भिक्षा देने का बड़ा पुण्य। वामन भगवान की बुद्धि विद्वान खड़ा भगवान कर मेरे देव गुरु जी बुद्धि विद्वान खड़ा भगवान कर मेरे देव Thank you.
ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, राजा की मन में इच्छा घर में कोई बेटा जन्म हो, क्यों, जो राज सिंहासन को संभाले। लेकिन घर में जो रानी थी ना, उसके मन में इच्छा कोई बेटी है, लेकिन मतलब बेटी हो तो माँ के पास में, माँ को मदद कर दो। अभी घर में एक पत नहीं, इतने में रानी जाकर के ब्राह्मण को कहानी बोले, देखो अगर घर में बेटी की जन्म होगी ना, फिर मुंह माँ की देखना मिलेगी, अगर बेटा होगा तो भैया कुछ दूंगी नहीं। ब्राह्मण लोग बोले, भैया बढ़िया दक्षिणा से बतला, चकाचक दक्षिणा मिलनी चाहिए। देखो पहले ऋषियों को पास में कैसे दिव्य मंत्र होता था, कितने दिव्य मंत्र है, ऐसे मंत्र पढ़ करके जब यज्ञ करते थे जिसमें बेटा हो, और ऐसे मंत्र पढ़ के जो बेटी बोला, उन्होंने बेटा का मंत्र छोड़ करके बेटी का मंत्र पढ़ लिया और उसमें खीर बनाई गई। वो खीर को रानी खाई ना, एला नाम एक सुंदरी कन्या जन्म हुई। राजा वशिष्ठ के पास गए, बोले मैंने कहा था घर में बेटा होनी चाहिए, बेटी कैसे हो गई। तब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाए, बोले ऐसे कैसे हो गया। बोले महाराज इसमें हमारी कोई दोष नहीं, इनके घर में एक मत नहीं, रानी हमको ऐसे ऐसे बात बताए। बोले बढ़िया दक्षिणा मिलेगा, हमने सोचा बढ़िया दक्षिणा से मतलब है, इसलिए हमने मंत्र पढ़ दिया बेटी की। इतने में बिच्छरी
वशिष्ठ कहते हैं तो देखो राजा देखो एक बेटी आए ना, दुनिया कहते हैं घर में लक्ष्मी आई, कहते ना घर में लक्ष्मी आई। अब देखना सचमुच से घर में जो बेटी आए ना लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी, क्योंकि आप देखना बेटियों को जब दान दी जाती है वो लक्ष्मी रूपा मात्र की दान दी जाती है, और वो कन्या दान को सबसे श्रेष्ठ दान बताएंगे, सबसे श्रेष्ठ दान। लेकिन दुर्भाग्य की बात है अगर माताओं को पता चले ना पेट में बेटी आ गई, बेटी जन्म हो गई, सबसे नाना नानी सबसे इनका मन ही खराब हो जाता है, मन खराब हो जाती है। इसलिए आप देखना हम बहुत सारी जगह में देखा है घर में जब बेटी हुई लास्ट में जब घर में बेटा आ गया घर में शादी हो जाता है ना, पत्नी ऐसे कान में मंत्र देती है दूसरे दिन बेटा मोदी करा, वो पिता माता का बात नहीं सुनता है। कभी कभी तो हम बहुत सारी जगह में देखो बेटा बेटी निकाल दिया पिता माता को और लास्ट में जाकर वो बेटी को पास में साथ लेते हैं, लेकिन हम कभी आपने नहीं सुना कि बेटी के लिए पिता माता की सेवा नहीं की, भले ही ससुर घर चली गई वो वहीं से खबर लेती है मेरे पिता माता कैसे है, हमारी पिता माता कैसे है, है? इसलिए कहना अभी बेटी बचाओ, क्या कहते हैं बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ, क्योंकि अगर बेटी अगर माता ही नहीं होगी ना ये दुनिया में बेटा फिर कहां से आएगा, काका काकी नाती दुनिया आएगा कहां से, माँ होगा तो तुमसे सारा दुनिया आएगी, माँ के बगैर दुनिया कहां से आ सकती है। इसलिए बोले भैया चिंता क्यों करते हो, घर में बेटी आई तो बोलते लक्ष्मी आई, बोले ये बात की बात है लेकिन हमें बेटा चाहिए। देखो वशिष्ठ में क्या शक्ति है, उन्होंने ऐसे मंत्र पढ़ा जो बेटी थी ना वो बेटी को उन्होंने बेटा बना दिया, इसका नाम हो गया सुदुम्ना, नाम हो गई सुदुम्ना नाम हो गई। अभी जब ये बड़ा हुआ बेटा एक दिन अपना संन्यास सामंत को साथ में घोड़े में बैठ करके भ्रमण के लिए गया, एक जंगल में प्रवेश करते ही जितने घोड़ा सबके सब घोड़ी हो गए, जितने सैनिक सबके सब लड़की बन गई, और जो राजकुमार था ना इतने में वो बन गई राजकुमारी बन गई, सबके सब अपना सैनिक जब देखा सबके सब लड़की बनी, बोले भैया ये क्या हो गया, हाँ देखो कैसे हो गई, बोले वो जो जंगल में श्री शंकर जी रहते थे एक दिन चतुर्सन शंकर जी को दर्शन करने आए, और उसी समय शंकर माता पार्वती से मिल रहे थे, इतने में हठात चतुर्सन आ गए, मैया पार्वती एकदम शर्मिंदा हो गई, शंकर जी को बोले ये कौन सा धर्म गृहस्थी है, जिसकी इच्छा हो वही मुंह उठा कर खा जाता है, वही धर्म गृहस्थी है। फिर शंकर जी अभिशाप दे दिए, बोले आज से मैं अभिशाप देता हूं अगर इसी जंगल में कोई पुरुष अगर प्रवेश करेगा तो वो पुरुष नहीं रहेगा वो नारी बन जाएगी। अभी इनको पता नहीं था सबके सब लड़की बन गई, फिर राजा को पता चला, फिर राजा फिर वशिष्ठ को पास में गए, फिर वशिष्ठ शंकर जी को पास में गए, शंकर जी बोले तो मैं इतना कर सकता हूँ तेरे जो बेटा है ना एक महीना तो बेटा होगी और एक महीना वो बेटी बनकर रहेगी, बोले इतना कर दो। जब उसने बेटी बनी तब उनकी शादी भूत को साथ में हुई, होने पर उससे जो बच्चा हुआ उससे चंद्रवंश आया और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण स्वयं आ गए। जब उसने बेटा बना था फिर किसी राजकुमारी से शादी हुई, फिर वो राजकुमारी से जो बच्चे हुए जिससे ये सूर्यवंश आया और सूर्यवंश में भगवान राम आए। देखो भगवान की कैसे अद्भुत माया है, और एक एक पुरुष से ही ये चंद्रवंश और सूर्यवंश आए, और इसी वंश में हमारे प्रभु राम और कृष्ण दोनों जन्म होते हैं। बस सियावर रामचंद्र की, बस कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे। अभी हम भगवान कृष्ण की कथा सुनेंगे, बोले भगवान जो कृष्ण कथा बड़ा मधुर, सबसे मधुर भगवान कृष्ण कथा। यद्यपि ये दोनों वंश में बहुत राजा आए लेकिन सबसे प्यारी कथा जिसकी एक राम की और एक कृष्ण की है, ये दोनों कथा सबसे अच्छी कथा है। इसलिए श्री बल्लभाचार्य कहते हैं बल आधरंग मधुर बादनंग मधुर नायनंग मधुर हसितंग मधुर आधरंग मधुर बादनंग नायनंग मधुर हसितंग मधुर।
एक गंगा रहती है स्वर्ग में जिसका नाम मंदाकिनी, एक मर्त्य जगत में जिसका नाम भागीरथी, दूसरा पाताल में जिसका नाम भगवती। जैसे गंगा तीन लोगों को पवित्र करती है, कहते उसी तरह जो कृष्ण कथा तीनों को पवित्र करती है। बोले किसको किसको? बोले सुनने वाले, बोलने वाले और प्रश्न करने वाले। ये तीनों को भगवान की कथा तीनों को पवित्र करती है। और भगवान की कथा भी इतने मीठा इतने मधुर है जो आत्मा में रमण करने वाले बड़े बड़े योगी ज्ञानी इनको भी भगवान कथा आकर्षण करता है। कहते अगर ये भव सागर से कोई पार होना चाहते हैं, भगवान की कथा सुनकर सुनकर परीक्षित महाराज भव सागर से पार होकर चले गए। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, आपको लगता होगा आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, कथा ही सुन रहे हैं। हम तो कुछ कर ही नहीं करी, कथा सुन रहे हैं। कहते जितने साधन है, ध्यान रखना सुना, जितने साधन है सबसे बड़ा साधन क्या है? भगवान की कथा सुन। साधन किसको कहते हैं? जब हम मन को एकाग्र करके प्रभु का चरण लगाते उसको कहते साधन। जैसे यहाँ पर बैठे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, मन किसमें है? मन ठाकुर में लगा हुआ, भगवान में लगा हुआ, ये बहुत बड़ी साधन है। इसलिए जिस समय कंस ने बड़ी अत्याचार होने की एकदम दुनिया में टहलका मचा दी, बोले मेरे देश में कोई यज्ञ नहीं कर सकते हैं, कृष्ण कीर्तन नहीं कर सकते हैं, साधुओं को जेल में बंद करवा दो। अभी पृथ्वी बड़ी दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास में, फिर शंकर जी के पास में, फिर इंद्र को, ये सबके सबको लेकर के गए श्री खीर समुद्र के पास में। और भगवान को पुरुष सूक्त मंत्र से भगवान को मैंने आराधना की। इतने में आकाशवाणी की, बोले हे देवताओं कोई चिंता मत करो, तुम सबके सब जदुवंश में जन्म ग्रहण कर लो। हे देवियां सबके सब गोपी घर में तुम लोग जन्म ग्रहण करो, मैं जल्दी से जल्दी जगत में आ रहा हूँ। ये आकाशवाणी है। अब ये सबके सब जन्म ग्रहण किए। एक दिन कंस देवकी को अपना बहनी को वसुदेव को साथ में शादी करवाए और बहुत कुछ उन्होंने दहेज के रूप में दिया। जब उन्होंने विदाई दे रहा था ना, इतने में आकाशवाणी हुई, बोले रे मुड़ा कंस, जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो उसी की अष्टम गर्भ का संतान तेरा काल बनेगा। जब इतने बोले आकाशवाणी देवता का वाणी, इतने में कंस ने देखा न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, इसलिए अभी देवकी को हत्या कर दो। वसुदेव महाराज ने तरह तरह से सांप दांत दंड भेद से समझाने के लिए कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं रहा था। इतने में बोले देख तेरे को पता मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ वसुदेव महाराज के लिए सारे बच्चे मैं तेरे को दे दूंगा, एक एक को मार देना, तू बहनी को मत मार, ठाकुर पीछा छोड़ दिए। उनका पहला बेटा कीर्तिमान हुआ, उन्होंने कंस को दे दिया, कंस का हृदय तो पिघल गया, अपना बेटे को काल बहा दी, बोले तू इसको ले जा, अष्टम गर्भ का संतान से मेरा बदला ले, उसको साथ में मेरी बदला ले। इतने में श्री नारद जी ने देखा भैया बड़ी गड़बड़ी हो गई, बोले क्यों? बोला तब आएगी जब पाप की घड़ा भरेगी, उसको पहले नहीं आएगी, लेकिन इसके हृदय में तो भैया की भाव आ रही, ठाकुर इतना जल्दी नहीं आएंगे। फिर श्री नारद जी आए और एक फूल लेकर के कमल का फूल, इसमें आठ पंखुड़िया, बोले कंस ये बताओ कि जो आठ पंखुड़िया में पहला नंबर कौन और आठवां नंबर कौन, बताओ। बोले गुरु जी कैसे बताए,
अगर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, तब नारद जी बोले इधर से गिनो, बोले एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, बोले तेरे को समझ में आ गया? बोले गुरुदेव क्या क्या बात क्या बताना चाहते हैं? बोले इतना समझ में नहीं आ रही है, ये देवता का बात समझना बड़ा कठिन है, तू तो इधर से एक दो तीन कर रहे हो, अगर वो उल्टा से गिने तो जिसको तू एक कर रहे हो ना वो हो जाएगा आठ, जिसको तू आठ करते हो वो जाएगा एक। जब एक एक बच्चे जन्म लेंगे बड़े होएंगे कि नहीं? जब बड़े होएंगे ना सबके सब मिल करके तेरे को मारेंगे। अरे गुरुदेव मेरे सबको मैं मार रहा हूँ, बोले भैया मैं क्यों बताऊ, तू जानता तेरे बाप जानता है। और नारद जी तो भागेगा, इतने में कलश ने एक एक करके उन्हें छह बच्चे उन्होंने मार डाले है। हाँ देखो अभी प्रश्न आता है, भैया नारद जी इतने बड़े साधु है, ये बच्चों को क्यों मरवाया, किसलिए मरवाया? बच्चों को मरवाया नहीं, नारद जी को इनकी पूर्व जन्म की कथा पता है। ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी मानस मरी, एक दिन ब्रह्मा एक सुंदरी लड़की को सृष्टि की जिसका नाम था सरस्वती। वो बेटी इतने सुंदरी थी जिसको देख करके स्वयं ब्रह्मा मुक्त हो गए, और इन लोगों ने बड़ी जोर जोर से ठाल लगाकर हंसी। इतने में ब्रह्मा जी इनको अभिशाप दे दिए, बोले मेरे को देख करके हंस रहे हो तुम लोग है, अपना पिताजी को हाथ में तीन जन्म तुमको मारोगे तभी तुमको मुक्ति मिलेगी, ये बात उनको बताता। इसलिए उन्होंने बच्चों को मरवाया नहीं, उनको उन्होंने मुक्ति करवा दिया। उनको अभी सप्तम गर्भ में श्री बलदेव प्रभु सप्तम गर्भ में आए, कहते वसुदेव महाराज की दो पत्नी थी, एक रोहिणी और एक देवती। ये रोहिणी भी गर्भवती थी, ये रोहिणी गर्भवती थी। अभी लोग सोच रहे हैं कंस तो सबको एक एक करके मार रहा है, हो ना हो ये रोहिणी के बच्चे को नहीं मार दे, उनको राता रात भेज दिया गोकुल में है। जब गोकुल में भेज दिए, अभी भगवान जोग माया को बुलाए, बोले जोग माया तेरे को मैं एक आदर प्रभु की भक्ति नहीं करेंगे ना ये 84 जीवन प्रोटेक्ट करेंगे। फिर सप्तम गर्भ में बलदेव प्रभु को भगवान को जो धारण करते हैं, ये संधि भी शक्ति के अधिष्ठान जो देवता श्री बलदेव प्रभु, और अष्टम गर्भ में भगवान कृष्ण आते हैं। हाँ कृष्ण की कौन सा गर्भ में आए? अष्टम गर्भ में। अब मेरे तरफ में देखो ध्यान में कर दो, ये अष्टम गर्भ क्या है? कहते भक्ति की आठ स्टेजेस होता है सीढ़ियां, और लास्ट जो सीढ़ी प्रेम है, प्रेम में ही कृष्ण दर्शन। मेरे तरफ में देखो,
पहला जो भक्ति का सीढ़ी है श्रद्धा। जैसे आप लोग अंदर में श्रद्धा है तभी यहाँ आकर के बैठेगा, श्रद्धा नहीं होगा तो नहीं बैठे, है ना। पहले भक्ति का मूल है श्रद्धा, उसके बाद में साधु संग। जब बैठे पर भगवान की कथा सुने, भक्तों का संगत या कथा सुने, फिर तीसरा स्टेज में बोले भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब होता है प्रभु की भक्ति करना। जब कथा सुने आपको पता चला ये जीवन 84 लाख जन्मों के बाद मिला है, ठाकुर जी बारंबार ये जीवन नहीं देते हैं, और इसी जीवन में ही हम प्रभु की भजन करते हुए हम ठाकुर के पास में जा सकते हैं, जहाँ जाने पर जीव की जन्म मृत्यु दुख कष्ट सब समाप्त हो जाती है। इसलिए तीसरा जो स्टेज है भगवान की भक्ति करना, जो चौथा जो स्टेज है जब भगवान की हम भक्ति करेंगे, हमारा हृदय में जितनी गंदगी है काम क्रोध खत्म हो जाए। ये चतुर्था। मतलब पंचम स्टेज में कहते रुचि। रुचि मतलब है आप देखना, अभी अगर प्रभु भजन के लिए बैठता मन इधर उधर भागती रहती है, मन चंचल सा होती है, लेकिन जब हृदय से ये काम क्रोध दूर हो जाएगी, भगवान का नाम प्रभु की भक्ति इतनी अच्छी लगेगी, इतने मीठी लगेगी दुनिया में, जैसे मीरा है, जैसे गोपियां हैं, हनुमान जी तुलसीदास दिन भर प्रभु की भजन में लगेगी। लेकिन अगर हमें बोले भैया 10 मिनट बैठो, देखना 1 मिनट मन नहीं लगता, तब माला खत्म हो, माला खत्म तो क्यों नहीं हो रहा है, छटपट 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 क्यों, ये सब पाप होते हैं। लेकिन जब ये पाप खत्म हो जाती है फिर भगवान के भजन में बड़ी मस्ती आती है, भगवान के भजन में बड़ा आनंद आता है, इसको कहते हैं रुचि। और जो छठवां जो स्टेज है कहती है निष्ठा। निष्ठा मतलब क्या है, फिर इतने पक्की बन जाते हैं भले ही सारा दुनिया जो कुछ करते रहे लेकिन हम प्रभु का भजन नहीं छोड़ते। जैसे मीरा है, भले ही सारा दुनिया इसको विरोध में हो गई लेकिन मीरा ने गिरधर का भजन नहीं छोड़े, दुनिया को त्याग दी लेकिन प्रभु के भजन उसने नहीं छोड़े। कहती है निष्ठा। फिर उसके बाद में आसक्ति है, फिर भगवान में इतने आसक्ति हो जाते हैं सारा दुनिया प्रभु के सामने नफरत होती है, केवल उनकी भजन भक्ति ही जीवन का सार बन जाती है। उसके बाद में फिर भाव, हृदय में भगवान के प्रति भाव आती है। भाव का क्या लक्षण है, कभी कभी भगवान की मीठी मीठी बंसुरी की आवाज सुन सकती है, कभी कभी प्रभु के चरण में जो नुपुर है नुपुर का छमछम छमछम कभी कभी आवाज सुनने को मिलती है, और कभी कभी ऐसे लगता है जैसे ठाकुर जी हमने शरीर को स्पर्श किया, शरीर का सारी रोंगट खड़े हो जाती है। कभी कभी भगवान जैसे लगता है सामने ठाकुर जी प्रकट हो गए और उनका रूप देख कर आग चकाचौंध हो जाता है। कहती है भाव है। और जो अष्टम स्टेज है ना प्रेम, और प्रेम में वही साक्षात भगवत दर्शन, ठाकुर का दर्शन हो गया, फिर जीव भगवान के पास है, फिर चला जाता है, फिर जन्म मृत्यु का संसार खत्म है। इसलिए भगवान जब अष्टम गर्भ में भगवान आए, सारे देवता लोग आकर के भगवान को स्तुति कर रहे हैं, ठाकुर जी को स्वागत करते हैं, हम भी थोड़ा स्वागत करेंगे, बोले सो स्वागत कृष्ण, ताली बजाते हुए देखो भगवान आ रहे हैं ना, 33 करोड़ देवता भी भगवान को स्वागत कर रहे हैं। हरे कृष्णा, जिनके बच्चे भगवान बनाए ना उनको पीछे ले जाओ, अभी गुलाब का मुंह ले लेगा बच्चे को पीछे ले जाओ, उसको भैया बोले ले जाएंगे, उसको भैया के बोले उसको बच्चे को ले जाएंगे, बोले सो स्वागत कृष्ण Thank you.
इतने में वसुदेव महाराज बोले प्रभु आपको तो मैंने बालक रूप में प्रार्थना की थी
आप तो ये चतुर्भुज लेकर के शंखचक्र गदा पद्म लेकर के आए, ठाकुर जी बोले तुमको पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए मैं आया हूँ, पूर्व जन्म का याद दिलाने के लिए। पूर्व जन्म में तो कृष्ण और सुतपा थे, तुम लोगों ने बड़ी कठोर तपस्या की। मैंने कहा क्या चाहते हो, बोले आप जैसे भी बेटा, देखो अभी मैं छोटा बच्चा बन जाऊंगा और मेरे को गोकुल में रखवाना और वहां से बेटी बन आना। अभी श्री वसुदेव महाराज कृष्ण को लेकर के धीरे 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 गोकुल जा रहे हैं और जमुना नदी में लपाल और पानी खड़ा हुआ। अभी जमुना सोच रही है प्रभु का चरण का स्पर्श कर, वो पानी उफनने लग गया। इतने में वसुदेव महाराज ने वो टोकरी को ऊपर उठा दिया, बोले भैया कोई हो तो इसको ले लो। इसने इतने में कृष्ण चरण बनाया तो जमुना देवी की कृष्ण चरण को स्पर्श कर दिया। कल राधा रानी जन्म लेगी, इधर सुनो मेरे तरफ में, कल कृष्ण गोकुल में कैसे जन्म होगा ये कथा कल सुनेंगे। लेकिन आप मेरे तरफ में देखो, आप लोग मेरे को देखना भूल गए, कल मेरा जल्दी जल्दी आएंगे। हाँ जब मैं आ जाता हूँ ना, देखता हूँ यहाँ पर मैदान खाली, तो मुझे दो दिन माता ही बैठ जाएगी। इसलिए कल जल्दी जल्दी सबके सब आना, क्योंकि जल्दी जल्दी कल से नंद महोत्सव होगा, कृष्ण गोकुल में कल जन्म लेंगे सबरे, और लास्ट में राधा जी की जन्म होगी। और कल सबके सब कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आऊंगी, गुलाबी रंग की, ठीक है। श्रीमती राधा रानी की, कृष्ण के नैया लाल की जय, जय श्री राम। जी भजन गाएंगे, कृष्ण कैसे गोकुल में जन्म हुए। देखो आज भगवान की दरबार में आज नाचेगा ना, उसको 84 लाख के जन्म नाचेगा, आज जो नहीं नाचे उसको 84 लाख के जन्म नाचे। अभी प्रभु भजन करेंगे, सबके सब खड़े होकर के नाचना, ठीक है। सबके सब खड़े हो जाओ, सब सब उस खड़े होकर के सब सब नाचने का। बोलो कृष्ण के कन्हैया लाल की, बोलो राधा रानी के लाल की, जय जय श्री राम। वसखी चलो नंद के गार, thank you.
I'm gonna
Thank you.
Thank you.
राधा रानी खूब मांग रही है, जो लक्ष्मी है, जो लक्ष्मी की सेवा के लिए लाएगी।